दोस्तों, ब्रॉडबैंड जिसका नाम सुनते ही हम सभी के मन में ख्याल आता है कि इससे हमें इंटरनेट की सुविधा मिलती है, और वो भी ऐसा वैसा नहीं बल्कि हाई स्पीड इंटरनेट जो कि एक दिन में 1 Gbps की स्पीड भी देता है। लेकिन हम हमेशा अपना ब्रॉडबैंड को स्विच ऑन करके द मिस्टिकल एंड की वीडियोस देखने लग जाते हैं। वैसे कभी इसी ब्रॉडबैंड को यूज करते हुए आपने ये सोचा है कि ये ना दिखने वाला इंटरनेट आपके मोबाइल तक आया कैसे, ये कैसे काम करता है, किन किन चीजों से होकर गुजरता है? चलिए आज इसको भी जान लेते हैं। आखिर क्या है ब्रॉडबैंड? ब्रॉडबैंड का फुल फॉर्म ब्रॉड बैंडविड्थ होता है, जिसमें हमें हाई स्पीड वाला इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। अब ब्रॉडबैंड को समझने के लिए आपको पहले ये समझना होगा कि इंटरनेट क्या होता है। तो दोस्तों, आसान भाषा में आपको समझाएं तो इंटरनेट एक डाकिया होता है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को इधर से उधर लेके जाता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब चाहे वो आपकी वीडियो देखने की इंफॉर्मेशन हो, किसी जगह के बारे में जानने की इंफॉर्मेशन हो, या फिर कोई ऑनलाइन गेम खेलने की हो, या इन्फो ही क्यों ना हो, जब भी आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके कुछ सर्च इंजन से रिक्वेस्ट करते हैं तो इंटरनेट इस रिक्वेस्ट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर तक पहुंचाकर उसको पूरा कर देता है। इसीलिए इसको आप मॉडर्न डाकिया और डिजिटल पोस्टमास्टर भी कह सकते हैं। अब आते हैं ब्रॉडबैंड पर। तो दोस्तों, ब्रॉडबैंड भी इससे कुछ अलग नहीं है। अगर हम डेटा के तौर पर इंटरनेट को देखते हैं तो हमें दो डिवाइस के बीच में डेटा ट्रांसफर करना होता है, और ऐसी कंडीशन में ब्रॉडबैंड वो रास्ता है जिससे हमारा डेटा ट्रांसफर होता है या चलता है। कैसे काम करता है ब्रॉडबैंड? जब आप इंटरनेट में डेटा ऑन करते हैं तो आपके डेटा प्रोवाइडर से आपका इंटरनेट शुरू होता है, मगर ब्रॉडबैंड के केस में बड़ी बड़ी ऑप्टिकल फाइबर की तारें जमीन के अंदर बिछा दी जाती हैं, जो कि फिर उसके बाद कई घरों में कनेक्शन प्रोवाइड करती हैं, और यही फिर वाईफाई बन जाता है। आपने देखा होगा कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आपको हर जगह नहीं मिल सकती है। अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहां पर ब्रॉडबैंड की तारें नहीं बिछी हुई हैं, तो फिर आप इस सुविधा का फायदा नहीं उठा सकते हैं, और जब ये तार बिछ जाते हैं तो उसके बाद इनको घरों या दफ्तरों में इंटरनेट की सुविधा प्रदान करने के लिए लगा दिया जाता है। तो यहाँ आप समझ तो गए होंगे कि ब्रॉडबैंड कोई इनविजिबल शक्ति नहीं है, इसको तारों के जरिए प्रदान किया जाता है। अब अगर तेज इंटरनेट की बात करें तो ज्यादातर हाई स्पीड वो होती है जहाँ बड़े बड़े तारों को बिछाया जाता है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन का आना और जाना बहुत तेजी से हो जाता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इंटरनेट का मतलब है इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान, तो इंटरनेट की स्पीड जब ज्यादा होगी तब इंफॉर्मेशन तेजी से आएगी जाएगी, और ये तेजी से आएगी जाएगी कब? जब इसको आने जाने का पैसेज मिलेगा, और वो पैसेज होता है ऑप्टिकल फाइबर की तारें। आप सोचिए कि अगर सिर्फ एक तार में इंफॉर्मेशन जाएगी और आएगी तो कितना समय लग जाएगा, और वही फिर इतने सारे यूजर्स और उन सबकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो, तो इस सब में उस तार के ऊपर इन्फॉर्मेशन का जाम लगने का खतरा है। इसलिए ऑप्टिकल फाइबर के मोटे तार इसमें ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लाने ले जाने के लिए बेहतर होते हैं। आपको अगर एग्जांपल देकर समझाएं तो हाईवे पर जितनी ज्यादा रोड रहेंगी उतनी ज्यादा कार, ट्रक, मोटरसाइकिल एक समय पर ट्रैवल कर सकेंगी, वरना जाम तो लग ही जाएगा। यही चीज ब्रॉडबैंड में भी होती है। ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा लेना काफी आसान है। हम चाहे किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ऐसा ले सकते हैं, जैसे जियो ब्रॉडबैंड, एयरटेल ब्रॉडबैंड, BSNL यानी भारत ब्रॉडबैंड जैसी कंपनियां इसमें शामिल हैं। अब यहाँ पर एक सवाल भी खड़ा होता है। अभी तक हमने आपको बस ये बताया कि ब्रॉडबैंड की सुविधा आपको जमीन के अंदर बिछाई गई तारों से मिलती है, और फिर हमने ये भी बताया कि इससे आप अपने मोबाइल को भी कनेक्ट करके इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ऐसा कैसे पॉसिबल है? PC और लैपटॉप में तो वो ब्रॉडबैंड केबल लगाने की सुविधा उपलब्ध है, मगर मोबाइल में नहीं। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ आपकी मदद करने आता है राउटर, जो कि उस ब्रॉडबैंड केबल को अपने अंदर लगाकर आसपास के घर के जोन को वाईफाई जोन बना देता है। अब ये राउटर कैसे काम करता है आप जानना चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम राउटर के ऊपर भी एक वीडियो बनाए, तो कॉमेंट करके बता दीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ब्रॉडबैंड के प्रकार। वैसे आज के इस मॉडर्न समय में ब्रॉडबैंड के कई सारे प्रकार मौजूद हैं, लेकिन हम कुछ चुनिंदा या इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ ब्रॉडबैंड के बारे में आपको बताएंगे। केबल। ये ब्रॉडबैंड केबल कनेक्शन या मॉडेम के साथ दिया जाता है, खासकर लोकल केबल TV ऑपरेटर के द्वारा। इसमें इंटरनेट की स्पीड केबल इंटरनेट कनेक्शन पर निर्भर रहती है, और एक ही समय पर कितने यूजर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं इस पर भी। किसी एक पर्टिकुलर एरिया की बात की जाए तो अगर बहुत सारे यूजर्स एक साथ ब्रॉडबैंड केबल सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें स्पीड आमतौर पर कमी मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा कि ज्यादातर शाम के समय सारे लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, और इंटरनेट की स्पीड उस समय धीमी भी हो जाती है। सबसे जरूरी बात, ज्यादातर केबल मॉडम एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं,
जिसके अंदर हमें दो कनेक्शन देखने को मिलते हैं। एक केबल वॉल आउटलेट होता है, वहीं दूसरा केबल एक कंप्यूटर में है। यह करीब 1.5 Mbps या उससे ज्यादा की ट्रांसमिशन इंटरनेट स्पीड हमें देता है। ऑप्टिक फाइबर, ऑप्टिक फाइबर ब्रॉडबैंड सर्विस में एक नई ब्रॉडबैंड सर्विस है जिसमें हमें बहुत ही तेज इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिलता है। ये फाइबर ऑप्टिक टेक्नोलॉजी पर काम करता है जो डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करके लाइट में डेटा कैरी करता है। फिर उस लाइट के डेटा को ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर के माध्यम से सेंड किया जाता है जो कि एक ह्यूमन हेयर या इंसान के बाल के डायमीटर के बराबर होता है। फाइबर में हमें डेटा ट्रांसमिशन स्पीड केबल मॉडम स्पीड से भी ज्यादा हाई क्वालिटी इंटरनेट स्पीड देखने को मिलती है जिसमें लगभग 10s और इवन 100s ऑफ Mbps यानी 1 Gbps तक की स्पीड हमें देखने को मिलती है। वायरलेस, जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये सर्विस वायरलेस होती है, यानी कि उसमें वायर्स का कोई रोल नहीं होता, बल्कि वायरलेस ब्रॉडबैंड कनेक्शन में रेडियो लिंक के जरिए हमारे घर और हमारे बिजनेस को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी का रेंज काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए इसका कॉस्ट या लगवाने का खर्च हमें महंगा पड़ता है। इसकी स्पीड लगभग फाइबर और केबल मॉडम की तरह ही मिलती है, लेकिन इसमें इंटरनेट की सुविधा लेने के लिए एक एक्सटर्नल एंटीना की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, ये थे ब्रॉडबैंड के प्रकार, साथ ही ब्रॉडबैंड की वर्किंग। अगर वीडियो में आपको ब्रॉडबैंड के बारे में कुछ समझ आया हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें।